रस्सी ले ली, दोनों रस्सियों के बाद लेने के बाद मैंने क्या की, एक रस्सी की क्या कर ली, राउंड करके रख लिया, एक रस्सी को क्या कर लिया, राउंड करके रख लिया। अब मेरे पास में दूसरी रस्सी का भाग है, दूसरी रस्सी का मैंने क्या किया, इस राउंड की हुई रस्सी के अंदर यानी उसके नीचे से, या आप बोल सकते हैं इस साइड को अगर राइट बोलोगे तो इस साइड को लेफ्ट बोलोगी, अगर इस साइड को बॉटम बोलोगे तो इसको टॉप बोलोगी, अगर इसी लेयर का है तो मैंने क्या करूँगा राइट साइड से, किस साइड से, राइट साइड से इस रस्सी को ले लिया। फिर मैं क्या करूँगा, इस रस्सी को बाहर निकाल के छोड़ दूंगा, निकाल के छोड़ दिया, फिर दोबारा इसी रस्सी को इसके नीचे से लेकर दोबारा इसको लेफ्ट साइड से अंदर डालूंगा, लेफ्ट साइड से क्या करूँगा अंदर डालने के बाद में जो नोट लगी है उसी नोट को क्या कहेंगे, रिप नोट, इसी नोट को क्या कहेंगे, रिप नोट। दोबारा बताता हूँ भाई, ये अपने पास में दो रस्सियाँ हैं, सबसे पहले एक रस्सी को मैंने राउंड करके अपने हाथ में ले लिया, ये देखो ले ली एक रस्सी को इस प्रकार से कर ली, दूसरी रस्सी मेरे हाथ में है, उस रस्सी को मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले इस राइट साइड से, अगर ऐसे है तो नीचे से, अगर इस साइड से है तो राइट साइड से निकालेंगे, निकालने के बाद ये वापस मैं उसी साइड ले गया, वापस मैं उसी साइड ले जाने के बाद ये वापस आऊँगा इस साइड से, नीचे से अगर वापस लेफ्ट से उसी के अंदर से निकालूँगा, इसी इसके अंदर से निकालूंगा, तो बनने वाली नोट कौन सी होगी, रिप नोट। ये देखिए इसी नोट को क्या कहते हैं, रिप नोट।